दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बाद परिणीति चोपड़ा भी गुड न्यूज देने वाली है। बॉलीवुड में इन दिनों लगातार एक्टर बेबी का वेलकम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने लंदन में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। वहीं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने फैंस को गुड न्यूज देते हुए बताया कि सितंबर महीने में वो अपने पहले बच्चे के माता पिता बनेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की बबली गर्ल परिणीति चोपड़ा को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि परिणीति और राघव चड्ढा मम्मी पापा बनने वाले हैं। जी हाँ, परिणीति की शादी को अभी महज 5 महीने ही बीते हैं, लेकिन लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि परिणीति प्रेग्नेंट है। इन कयासों को हवा खुद परिणीति ने ही दी है। परिणीति हाल ही में एयरपोर्ट पर नजर आई थी, जहां उन्होंने व्हाइट कलर का लूज शर्ट पहना हुआ था और इसके साथ ही दूसरी बार परिणीति ब्लैक कलर की ड्रेस में दिखाई दी। परिणीति का ये लूज ही था। परिणीति का ये लुक देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो अपने बेबी बम को छिपा रही हैं। यूजर ने परिणीति और राघव को बधाई देना भी शुरू कर दिया है। एक यूजर ने परिणीति की इस ड्रेस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि ये प्रेग्नेंट लग रही है, लगता है कि बेटी आने वाली है। दूसरे यूजर ने लिखा, पक्का प्रेग्नेंट हो गई है। तीसरे ने लिखा, अब तो प्रेगनेंसी अनाउंस कर देनी चाहिए। वहीं अगले ने लिखा, गुड न्यूज इज ऑन द वे। परिणीति और आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा ने पिछले साल 24 सितंबर को राजस्थान में शाही शादी रचाई थी। इस शाही शादी में परिणीति और राघव चड्ढा के परिवार के लोगों के साथ साथ कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। परिणीति ज्यादातर वक्त इन दिनों दिल्ली में अपने पति राघव चड्ढा के साथ बिता रही है। मुंबई में उनका रहना अभी कम हो रहा है। वेल, आप क्या कहेंगे इस गुड न्यूज पर? अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिए। और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।